हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमारे वीर्य का या सीमन का वॉल्यूम कैसे बढ़ाया जाए, वीर्य की क्वांटिटी को कैसे बढ़ाया जाए। आज इसी के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट इन कोलकाता। आज हम बात करेंगे कि हमारा सीमन प्रोडक्शन कैसे होता है, फोर्सफुली निकलता है कि ड्रिबलिंग करके निकलता है, क्या उसके कारण होते हैं और क्या उसको ट्रीट किया जाता है, कैसे आप घर पे उसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे आपको क्या करना है ताकि आपका सीमन का वॉल्यूम बढ़ सके। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो सीमन वॉल्यूम आता है वो कहां से आता है, कितने अमाउंट में आता है। लोगों का सबका ये मन में रहता है कि जो हमारा टेस्टिस होता है, जो स्क्रोटम होता है, जो हमारे अंडकोष होते हैं, वहां से हमारा सीमन आता है। लेकिन ये आपको बता दें, हमारे टेस्टिस से जो सीमन तैयारी होता है वो केवल 5% होता है, ओनली 5%। उसके अलावा हमारी जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, पुरुष ग्रंथि जिसे बोलते हैं, वहां से जो सिक्रेशन आता है वो होता है 20-30%। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कहां से आता है, क्योंकि जो यूरेथ्रा के पीछे या प्रोस्टेट के पीछे ग्लैंड होती है सेमिनल वेसिकल, जो कि आपके सीमन का स्टोरेज का काम करती है। मेन सिक्रेशन 60-70% सेमिनल वेसिकल से ही आता है, और थोड़ा बहुत हमारा एक बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड होती है जो यूरेथ्रा के अंदर होती है, पोस्टेट की जो हमारा पेशाब का रास्ता है यूरेथ्रा, उसमें बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड होता है, वहां से मिनिमम सिक्रेशन आता है। तो ओनली 5% आता है टेस्टिस से, 60-70% आता है आपका सेमिनल वेसिकल से, एंड 20-30% आता है पोस्टेट से, और बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड से आता है। अभी क्या होता है, जब आपका सीमन निकलता है तो कुछ लोगों का सीमन देखा होगा फोर्सफुली जेट की जैसे निकलता है, कुछ लोगों का होता है सीमन ड्रिबलिंग करके निकलता है। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि आपका जो यूरेथ्रा होता है उसके बाहर एक मसल होती है बल्बो स्पॉन्जियोसम। ये बल्बो स्पॉन्जियोसम मसल रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन करती है, एक रेगुलर कॉन्ट्रेक्शन करती है जिससे सीमन आपका बाहर निकलता है। ये बल्बो यूरेथ्रा मसल जो होती है, स्पॉन्जियोसम मसल जो होती है, वो मसल अगर वीक होती है तो आपका ड्रिबलिंग करके सीमन निकलता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होती है तो जेट की जैसे निकलता है। तो ये डिपेंड करता है बल्बो यूरेथ्रा मसल के ऊपर। अभी बात करते हैं कि जो फीमेल्स होती है, महिलाएं होती हैं, उनको सीमन वॉल्यूम से या उनका सीमन जेट के साथ निकलता है उससे कुछ फर्क पड़ता है, उनके ऑर्गिज्म में कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द जो फीमेल्स होती है, जो महिलाएं होती है, ज्यादातर महिलाओं को आपका सीमन का वॉल्यूम कितना आ रहा है या फिर आपका फोर्सफुली आ रहा है कि ड्रिबल करके बाहर निकला है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको उससे उनके ऑर्गेज्म में किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें कोई वरी वाली चिंता वाली बात नहीं है कि आपका सीमन का वॉल्यूम कम हो गया है या फिर आपका फोर्सफुली नहीं निकल रहा है अभी। तो सबसे पहले जो कारण होता है वो एज के हिसाब से आपका सीमन का वॉल्यूम कम होता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है सीमन का वॉल्यूम कम हो जाता है, बिकॉज सेमिनल वेसिकल का सेक्रेशन कम हो जाता है। लेकिन आप में इनफर्टिलिटी नहीं आती है, आप स्टिल 80-90 ईयर तक भी आप फर्टाइल रह सकते हैं, क्योंकि सीमन आपका स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि वॉल्यूम के ऊपर। दो नंबर पर सीमन वॉल्यूम कम होने का कारण होता है आपके जो ट्यूब्स हैं उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे यूरेथ्रा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो स्ट्रिक्चर कहते हैं, या इजेक्यूलेटरी डक्ट जहां से सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड ऑर्गेज्म के बाद में यूरेथ्रा के अंदर आता है, उस डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसकी वजह से होता है, जिसके लिए हम ट्रस्ट गाइडेड अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, यूरिन को टेस्ट कराते हैं और देखते हैं कि सेमिनल वेसिकल फूला हुआ है कि नहीं फूला हुआ है, यूरेथ्रा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं, वो देख के पता करते हैं कि आपके कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं। किसी तरह के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपका सेमिनल जो फ्लूइड होता है वो बाहर नहीं आ पाता है और कम आता है। तीन नंबर पे होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है तो ऐसे में भी आपका सीमन वॉल्यूम कम हो जाता है। चार नंबर पे आता है कुछ मेडिकेशन आप ऐसी लेते हैं जिसके आपका सीमन बाहर नहीं आता है, जैसे कि प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से, प्रोस्टेट के कुछ सिम्टम होते हैं कि हेजिटेंसी हो रहा है, बार बार में पेशाब जाना पड़ रहा है, प्रोस्टेट बड़ा हो गया है, उसकी वजह से कुछ मेडिसिन दी जाती है जैसे टेम्सुलोसिन या सिलोडोसिन, उनकी वजह से रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन हो जाता है। अभी रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो सीमन बाहर आता है वो एंटीग्रेड आगे की तरफ नहीं आके पीछे की तरफ पेशाब का थैली में चला जाता है और वो पेशाब के साथ में बाद में बाहर निकलता है। तो इस तरीके की मेडिसिन ले रहे हैं उसको आप चेक कीजिए, अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा या स्टॉप करना पड़ेगा। और चार नंबर पे होता है डायबिटीज के साइड इफेक्ट की वजह से भी ऐसा होता है, क्योंकि डायबिटीज की वजह से क्या होता है, आपकी नर्व्स वगैरह डैमेज हो जाती है, बल्बो यूरेथ्रा मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन कम हो जाता है,
सेमिनार वैसे को कंप्लीट करने के लिए जो रसगुल्ला चाहिए वो कम हो जाती है, तो डायबिटीज न्यूरोपैथी की वजह से आपका सीमन वॉल्यूम कम हो सकता है। अब ये तो है कारण, अब बात करते हैं कैसे उसको ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे उसको ठीक किया जाए। ठीक करने के लिए बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको स्मोकिंग को कम करना है, स्मोकिंग को टोटल बंद करना है। स्मोकिंग आपके सेमिनल फ्लूड को कम वॉल्यूम को कम करता है, उसके अलावा आपके लंग्स का कैंसर कर सकता है, ब्लडर का कैंसर कर सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर सकता है, उसके अलावा उसकी आपकी नर्व वगैरह डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से बल्बोयुत्र मसल्स वीक हो जाती है और आपका सीमन पूरा बाहर नहीं निकाल पाती है। दो नंबर पे आपको हाइड्रेशन अच्छा रखना है, आपको गुड क्वांटिटी में लिक्विड का कंजम्पशन करना चाहिए, लिक्विड लेना चाहिए, पानी वगैरह ज्यादा लेना चाहिए ताकि आपका हाइड्रेशन अच्छा रहेगा तो सीमन का वॉल्यूम अच्छा रहता है। तीन नंबर पे जब बात करें तो आप एक एक्सरसाइज होती है पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज जिसे हम कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। इस कीगल एक्सरसाइज करने से आपकी बल्बोयुत्र जो बल्बल स्पंजल मसल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और आपका एजुकेशन अच्छा होता है। इसके बहुत सारे एडवांटेज भी होते हैं, आपकी रिटेंशन पावर बढ़ जाती है यूरिन की, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इंप्रूवमेंट होता है। कीगल एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आप इजेकुलेशन लेस फ्रिक्वेंटली करेंगे, यानी कि आप मास्टरबेट करते हैं, सेक्स करते हैं, उसकी जो क्वांटिटी है उसको कम करेंगे तो आपका टैंक जल्दी फुल होगा। जैसे कि आप बहुत जल्दी जल्दी प्रत्येक दिन आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं या इजेकुलेशन करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, तो आपका सीमन का वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि टैंक भरता नहीं है फुल। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी को आप कम करेंगे, इजेकुलेशन को आप कम फ्रिक्वेंटली करेंगे तो आपका टैंक भरेगा और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं आपको कि किसी भी तरह का ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है जो कि आपके सेमिनल फ्लूड के वॉल्यूम को बढ़ा सके, ऐसा साइंटिफिक भी कुछ भी नहीं है। लेकिन स्पर्म की क्वालिटी अच्छी करने के लिए हम कुछ सप्लीमेंट ले सकते हैं, बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई भी सप्लीमेंट नहीं है जो आपके सेमिनल फ्लूड के वॉल्यूम को इंक्रीज कर सके, वॉल्यूम को बढ़ा सके। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।